कर्नाटका में हिजाब विवाद अपने चरम पर है। 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। मुख्यमंत्री ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील तो की है, लेकिन दिख नहीं रहा है। नहीं, ये देखिए, वहाँ जो ये हिजाब का इशू कर दिया है वो जानबूझ के पर्पसली वोट पोलराइज करने के लिए और खास करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए चंद लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटका हमेशा एकजुट होकर रहा है और मल्टी कल्चर वहाँ पर प्रैक्टिस है। लेकिन ये जो स्कूल में ऐसी चीज़ें ला के स्कूल बंद करवाना और बच्चों के दिमाग पे असर गिरता है, ऐसी चीज़ें वहाँ पर उनको कहने से कि तुम ये करो, तुम ये मत करो, जो रूल्स होते हैं वो सबके लिए होते, अब तक तो सभी लोग फॉलो करते आए, ये कोई नया चीज़ नहीं। आज कोई पहन के गया और उसके लिए इन्होंने कुछ कहा, ऐसा नहीं था। तो कोई पहले कहता भी नहीं था उस हिजाब का जो पहनते थे, उन बच्चियों को कोई रोका नहीं पहले। आज रोकने की कोशिश इसलिए चल रही है कि किसी ना किसी ढंग से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज इसके पीछे काम कर रहे हैं।